Good morning students today in english class we do chapter 5 articles in this video we do the definitions of articles kinds of articles let us start the video firstly we do the definitions of articles what is articles an article is a word used to modify a noun विच इज़ अ पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और आइडिया तो आर्टिकल क्या होते हैं बेटा आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जो कि आपका जो नाउन है आपकी कोई पर्सन भी हो सकता है कोई भी प्लेस के लिए भी यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई आइडिया भी हो सकता है तो आर्टिकल्स कौन से होते हैं आपके आर्टिकल्स जो हैं आपके ए एन एंड द आर द आर्टिकल्स नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल तो जो थ्री आर्टिकल हमने बताए थे ए एन और द उनमें से द आर्टिकल जो आपका वो आपका है डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन एनिमल और थिंग तो जो डेफिनेट आर्टिकल है आपका वो किसी पर्टिकुलर पर्सन एनिमल और थिंक को रेफर करता है नेक्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स तो जो ए और एन आपका आर्टिकल्स हैं वो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स डो नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन एनिमल और थिंग तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं आपके वो किसी पर्टिकुलर पर्सन एनिमल और थिंग को रेफर नहीं करते जैसे कि आपका डेफिनेट आर्टिकल्स करता है नेक्स्ट बेटा ए एन और द आर्टिकल्स जो होते हैं आपके वो हम कहाँ यूज करते हैं फर्स्ट इज ए ए इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन अ पर्सन एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक तो ए का हम यूज़ कहाँ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं वो कोई पर्सन एनिमल और थिंग कुछ भी हो सकता है जो कि स्पेसिफिक नहीं होता वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन तो यू ए का हम यूज़ जो है किसी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हम इसका इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर एग्जाम्पल बी सी ड फ जी एच ये जी सारे आपके जो हैं आपकी कॉन्सोनेंट साउंड हैं अ कम्स बिफोर द नाउन तो ए जो है आपका नाउन से पहले यूज किया जाता है कब जब आपकी जो साउंड है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी फॉर एग्जाम्पल अ डॉग अ चिल्ड्रेन अ बॉय एटसेट्रा नेक्स्ट इज एन एन इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ अ सिंगलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक तो एन भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होती है वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन इसको भी हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड देन इट कम्स बिफोर द नाउन तो एन जो आपका आर्टिकल है वो ना वोवल साउंड के साथ यूज किया जाता है तो आपकी जो वोवल साउंड होती है वो कौन कौन सी होती हैं ये आपकी आपको पता है आपकी फाइव अल्फाबेट जो होते हैं वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ए ई आई और यू बट इनमें भी आपकी कई बार क्या होते हैं वोवल की जगह कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम आगे बताएंगे फर्स्टली यू सी द आर्टिकल्स क्या होता है वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउंस सभी नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable. तो इसमें आपको कोई मैटर नहीं करता आपका जो नाउन है सिंगुलर है प्लूरल है काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है तो उसके साथ हम दा का यूज करते हैं किन के साथ टू डिस्क्राइब सम वन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक वो चीज़ें जिसको ये कोई यूनिक या स्पेसिफिक डिस्क्राइब करे उनके साथ हम चाहे वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है सिंगुलर है या प्लूरल द आर्टिकल का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द मून द वर्ल्ड द सन एटसेट्रा नेक्स्ट बेटा हम द आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करेंगे द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन सेकट बुक्स न्यूज पेपर मैगजींस रोड्स सीज ओशियंस रिवर्स ट्रेन्स वेल नोन फेमस बिल्डिंग्स सम स्पेसिफिक स्पेशल्स कंट्रीज डेजर्ट्स एट्सट्रा तो इनका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे जो हमारी धार्मिक हैं उनके नेम के साथ न्यूज़पेपर के नेम के साथ मैगजीन रोड सी ओशियन रिवर्स ट्रेन्स इन सभी के नेम के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं स्पेसिफिक जो कंट्रीज होती हैं और जो डेजर्ट्स होते हैं उनके नेम के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द गुरु ग्रंथ साहिब इट इज़ अ होली बुक सिमिलरली जो होली बुक्स हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं जैसे कि द गीता द बाइबल द कुरान नेक्स्ट आपका द हिंदुस्तान टाइम्स ये आपका न्यूज पेपर नेम है इसके साथ भी हमने द आर्टिकल यूज किया है द इंडियन द इंडिया टूडे द ग्रांड ट्रंक रोड द रेड सीज द एटलांटिक ओशियंस द यमुना द शताब्दी एक्सप्रेस द पार्लियामेंट हाउस द यूनाइटेड किंगडम द यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका द नीदरलैंड एंड द सहारा तो दीज आर द नेम ऑफ कंट्रीज ओशियंस एंड सीज हम इनके साथ हम द का आर्टिकल का यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के अनदर यूज कौन कौन से बेटा डिग्रीज तो सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री आपकी जो डिग्री हैं थ्री टाइप्स की होती हैं पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैगी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास हेयर द मोस्ट इंटेलिजेंट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री तो इससे पहले हमने द आर्टिकल यूज किया है सेकेंड इज़ बिफोर जेक्टिव विच आर यूज एज नाउंस तो उन एडजेक्टिव के साथ जो नाउन की तरह यूज किए जाते हैं उनके फॉर एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर हेयर रिच एंड पुअर बहुत आर द नाउन्स वर्ड्स तो इनके साथ हमने द आर्टिकल यूज किया थर्ड इज बिफोर नंबर वेट मेजर्स फॉर द रेट प्राइस तो नंबर के साथ वेट के साथ मेजरमेंट के साथ रेट और प्राइस के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्स आर सॉल्ट बाय द डजन बट वी बाय द मैलेंस बाय द किलोग्राम तो हेयर किलोग्राम और डजन ये मेजरमेंट को शो करते हैं नेक्स्ट इज बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं ही पुस्ट द थीप बाय द नेक नेक्स्ट इज टू टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट तो किसी पर्सन एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को जब हम पर्टिकुलराइज करते हैं यानी स्पेशली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं ब्रिंग मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल हेयर बुक इज अ पर्टिकुलर थिंग विच इज़ लाइंग लाइंग ऑन द टेबल तो दीज आर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स नेक्स्ट ए और एन के यूज क्या क्या हैं ए इज़ यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड्स जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो ए जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं बेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए अ बॉय अ चेयर अ स्टोरी बुक अ स्पून एटसेट्रा एंड एन इज़ यूज विद वॉवल साउंड फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल एन इंजन एन एग एन ऑरेंज एन एम ए Uh, listen, beta. M is a consonant word, but it produces vowel sound. M is uh, sound is produced here, so it is a vowel sound. Articles a and n are used before singular nouns, means common nouns. A baby loves his mother. It is a singular noun. A is used with consonant sound, and and is used with वॉवल साउंड नेक्स्ट इज ओमेशन ऑफ द आर्टिकल्स मीन्स हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन सिटीज कंट्रीज एक्सेट्रा तो किसी भी पर्सन नेम के साथ सिटी नेम कंट्रीज या कोई भी टाउन नेम हो किसी के भी साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी हेयर चंडीगढ़ इज़ अ सिटी नेम सो नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो किसी भी एलिमेंट्स के नेम के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स वी नीड एयर टू लिव सो एयर इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑर्नामेंट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज आर्ट सब्जेक्ट डिजीज गेम्स एंड फेस्टिवल्स तो किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्ट के साथ सब्जेक्ट्स नेम के साथ डिजीज के साथ डिजीज नेम के साथ गेम्स नेम के साथ और किसी भी फेस्टिवल्स के नेम के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज आई लव डांसिंग दीज बॉयज आर डोइंग मैथेमेटिक्स कॉनार्क्स ब्रदर इज डाउन विद वायरल फीवर चिल्ड्रेन इंजॉय दिवाली द मोस्ट नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द मेटल्स एंड रिलेशन्स तो मेटल्स नेम के साथ और रिलेश नेम के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल ही शेयर्ड लंच विद मी सो स्टूडेंट्स दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स सो स्टूडेंट्स टूडे वी डू What is articles and how many kinds of articles are there? I hope you understand. Thank you, students. Have a nice day.